हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो मैं भी आप सभी की दुआ है, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज फिर से आप लोगों के पास मैं न्यू ब्लॉग लेके आई हूँ विद क्लीनिंग से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, हमारी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का यही रूटीन रहता है, पर डे क्लीनिंग। तो पहले डस्टिंग चल रही है, तो पहले अच्छे से डस्टिंग कर लेते हैं पूरे टेबल वगैरह की, बेड वगैरह की, सब कुछ को हटा हटा करके पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे, अच्छे से डस्टिंग कर लेंगे। उसके बाद जो भी गंदगी गिरेगी तो झाड़ू लगा करके फिर पोछा लगाएंगे। तो वैसे तो झाड़ू मॉर्निंग में एक बार लग जाता है हमारे यहाँ, लेकिन फिर दोबारा से अगर पोछा करना होता है ना फ्रेंड्स, तो खासकर इस पोछे से अगर साफ़ करना तो आपको थोड़ा सा भी धूल वगैरह नहीं, मतलब जैसे कुछ भी फंसना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर पोछा में कुछ भी फंसता है ना फ्रेंड्स, तो बहुत पोछने में प्रॉब्लम होता है, उसे खींचना पड़ता है। तो बहुत बार इधर से उधर पोछे को इधर से उधर करना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है उसे पोछने में। तो इसी वजह से पहले अच्छे से डस्टिंग करके और एक एक गंदा निकालना होता है, उसके बाद से फिर आराम से फिर उसके बाद पोछा लग जाता है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, और ऐसे अगर गंदा रहा और नई झाड़ू लगाई मैं तो अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है और बहुत मेहनत लगती है। तो देखिए कितने आराम से मेरी इजली और कितने अच्छे से गंदगी निकल रही है, क्योंकि मैंने अच्छे से झाड़ू लगा रखा है और गंदा एकदम नहीं निकल रहा है, तो इजली अच्छे से पोछा जा रहा है। तो आप लोग देखिए कि मैं कैसे पूरे रूम को पूरा डस्टिंग करके साफ़ कर दी। आवाज़ धुलना था बेडशीट वगैरह मुझे फ्रेंड्स, बेडशीट गंदा हो गए थे। वैसे तो हफ्ते में 2 से 3 बार मैं धो ही देती हूँ, तो मैं धोती हूँ तो फ्रेंड्स वही चादर वगैरह निकाला है, अभी डाला नहीं है चादर। तो पहले सोच रही हूँ कि अच्छे से झाड़ फाड़ करके पोछ वोछ लूँगी, बेड रखा है बेडशीट धुल लूँगी। तो बेडशीट वगैरह सब कुछ निकाल करके और धुलने के लिए डाल दिया उधर, और इधर मैं बेड पे रखती हूँ कि जब नहा वहा लूँगी तो उसके बाद अच्छे से करके बेड को लगा दूँगी। तो फ्रेंड्स, बाहर साइड झाड़ू नहीं लगाया था मैंने, तो वही हॉल में भी झाड़ू लगा दी हूँ, फिर झाड़ू लगा करके और फिर पोछा लगाऊँगी। तो आप सब हमारे ब्लॉग में बने रहिए कंटिन्यू। और ऐसे आप सभी इधर अभी अपना सपोर्ट नहीं दे रहे, तो प्लीज़ आप लोग प्यार और सपोर्ट दो फ्रेंड्स। और पता नहीं हमारे सब्सक्राइबर घटते चले जा रहे हैं, प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए और बताइए कैसे घट रहे हैं। और दीदी अभी किचन में घर क्लीनिंग कर रही हैं, किचन की पूरा बर्तन वगैरह जो भी था वो भी धुल रही थी। हो वही हम लोग थोड़ा सा आपस में बात कर रहे हैं कि थोड़ी वो मुझे कुछ दिखा रही थी फ्रेंड्स, तो वही थोड़ा सा उनसे बात कर रही थी। तो फ्रेंड्स, हम देख सकते हैं अभी कि मैंने पूरे घर को साफ़ कर लिया है, बस हॉल बची हुई थी, तो बस हॉल ही को पोछना था। तो इससे बहुत ईजली अच्छे से पोछा लग जाता है हमारा। और आज लेट भी हो गया फ्रेंड्स, 12 बजेंगे थोड़ी देर में, और लेट हो चुका है क्योंकि प्रिसु को नहलाना था, इधर बाकी और सारे काम थे, और ठंडी में टाइम कब निकल जाता है फ्रेंड्स को पता ही नहीं चलता। और उठने में भी मैं हो गई हूँ लेट, क्योंकि 7:15 में उठी हूँ, तो काम करने में तो लेट होगा ही। तो हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर दिया, कितने अच्छे से देखिए अब धीरे धीरे पोछा लग गया है, कितना चमक रहा है हमारा घर। और एकदम देखिए इजली कितने अच्छे से मैं पोछ लेती हूँ। और वैसे तो वो पोछा अगर मारना होता है तो घुटने पे बैठ करके मारती हूँ, और ये वाला मुझे सबसे ईजी सबसे आसान लगता है, और एकदम ईजली अच्छे से साफ़ हो जाता है।
तो फ्रेंड्स, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मुझसे रिलेटेड वीडियो सीधे आपको पहुँचे और रोज़ न्यू न्यू ब्लॉग के साथ आप सभी की रोज़ न्यू न्यू ब्लॉग क्लीनिंग से रिलेटेड। अभी थोड़े अगर अच्छे नहीं हैं तो थोड़े से आप लोग जो भी होगा सुधार करना होगा तो ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे आजकल अच्छे से टाइम नहीं मिल पा रहा और थोड़ा अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही हूँ। मैं थोड़े स्पीड में बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत, बार बार लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इसी वजह से थोड़ी सी बोलने में प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स, क्योंकि और कुछ क्लियर होता है तो क्लियर समझा पाती हूँ ना, तो थोड़ा सा था इसी वजह से। तो फ्रेंड्स देखिए, ये पापा जी या माँ का रूम है, ये देखिए अभी जस्ट मैंने झाड़ू पोछा लगा करके पूरा अच्छे से ठीक किया था, और प्रिजू ने फिर से देखिए रूम का हालत क्या कर दिया, बालकनी वगैरह सब कुछ अभी झाड़ू लगाई थी, पूरे घर की क्लीनिंग हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारा मेन डोर है और ये हमारा रूम है जो इस तरह से भी बिखरा पड़ा है, बाकी डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो गया है। और हॉल वगैरह देख सकते हैं आप कितना मतलब सब क्लीन है, दीदी का भी रूम क्लीन हो गया। अभी जो भी कपड़ा मैंने धुला हुआ था कल का वो सूख गया था, तो वो मैं ला कर के दीदी के रूम में रख दी हूँ। किचन सारी दीदी ने क्लीन कर दी और ये सारे दूध के पतीले रखे हुए हैं, दूध खोला खोला करके, और ये दीदी ने सारी किचन की क्लीनिंग वगैरह कर दी। अब मैं जाऊँगी नहाने, फिर नहा के पूजा वगैरह करके और उसके बाद और भी सारे काम हैं तो वो मैं करूँगी। देखिए हमारी बेटी कैसे बालकनी में लटकी हुई हैं और बाबा को बुला रही हैं, मैम को मतलब हैं कि नीचे स्टूडेंट ही हैं तो उनको बुला रही हैं। देखिए मैं आई तो मेरे पीछे कैसे पढ़ने बदमाशी कर रही हैं, हैं तो छोटी सी पर इतनी शैतान है कि मैं आपको क्या बताऊं फ्रेंड्स। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बालकनी का कुछ नज़ारा दिखा देती हूँ। ये प्रिशु अपना साइकिल निकालने की कोशिश में है, साइकिल पे इनका ढेर सारा सामान है। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ फ्रेंड्स फाइनली, तो मैं खाना वाना खा चुकी हूँ, पूजा वगैरह सब कुछ हो चुका है हमारा। मैं दिखाऊँगी वो भी आप लोगों को क्लिप, तो देखिए फ्रेंड्स, तो बेड वगैरह अपना सही कर रही हूँ अभी, कि मैं बताई थी ना कि मैं नहाने वहाने के बाद मैं सब कुछ कर लूँगी, उसके बाद अपना बेड वगैरह सही कर लूँगी। तो बेडशीट तो लगा ली मैंने, अब थोड़ा सा उस पिलो में सारे मैं कवर डाल देती हूँ, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद कुछ भी नहीं करना। तो फ्रेंड्स अब हो गया सारा काम ख़त्म, तो लेट तो हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि 12 बजे तक हमारा सारा काम ख़त्म हुआ है। और आप लोगों को के लिए छोटा सा हमारा रेगुलर का रूटीन था, तो मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना फ्रेंड्स, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करना, और अच्छी लगी हो तो भी और नहीं भी लगी हो तो भी प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट आप लोग बनाए रखना। इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आती रहूँगी। मैं जानती हूँ आज का वीडियो कुछ खास नहीं है, मैं खुद ही आपको बता दे रही हूँ, और आप लोगों को अच्छा ना लगे, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखना, प्यार सपोर्ट दे